तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि न्यायपालिका पर 6 लाख से अधिक मुकदमों का बोझ, हाईकोर्ट से 37 केस 30 साल से अधिक समय से लंबित हैं, यानी कि पेंडिंग है। कब वो केस सॉल्व होंगे, कब उनका फैसला होगा, कुछ अता पता नहीं है, सब लापता ही चल रहा है फिलहाल तक। देश में न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए मामले में उत्तर भारत के राज्यों की स्थिति चिंताजनक है। इसी क्रम में झारखंड की न्यायपालिका पर भी वर्तमान में 6 लाख से अधिक मुकदमे, करीबन 6,03,870 केस का बोझ है। हर दिन मुकदमों की संख्या में वृद्धि हो रही है, वहीं अदालतों द्वारा मुकदमों का निष्पादन भी हो रहा है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो लोगों का न्याय पाने के लिए निचली अदालतों में वर्षों तक इंतजार करना उन्हें पड़ रहा है। झारखंड हाई कोर्ट में 37 वैसे केस हैं जो 30 साल से अधिक लंबे समय तक लंबित हैं। इसमें सिविल के 36 व क्रिमिनल के 1 केस शामिल है। हाई कोर्ट में कुल लंबित मामलों की संख्या 85,688 है। इसमें सिविल केस 37,916 है व क्रिमिनल के 47,772 केस शामिल है। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सहित 20 न्यायाधीश कार्यरत हैं। एक न्यायाधीश पर भी काफी ज्यादा भार है। वहीं राज्य भर के सिविल कोर्ट में 5,18,182 मुकदमे लंबित हैं, यानी कि पेंडिंग पड़े हुए। इसमें सिविल के 87,688 और क्रिमिनल के 4,30,494 केसेस शामिल हैं। सिविल कोर्ट में 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित 370 केस हैं, जिनमें सिविल के 133 व क्रिमिनल के 237 केस शामिल हैं। सिविल कोर्ट में 506 न्यायिक अधिकारी हैं। एक न्यायिक पदाधिकारी पर करीब 1,024 केस का भार है। ये आंकड़े नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड ने जारी किए हैं। राज्य भर में सिविल कोर्ट की स्थिति, जिला लंबित मुकदमे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ कितने कितने केसेस पेंडिंग है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ पेंडिंग केसों की आपको सूची में यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर बोकारो में 20,802, चतरा में 20,716, पलामू में 33,664, देवघर में 26,838, धनबाद में 61,841, दुमका में 13,658, जमशेदपुर में 47,416, गढ़वा में 18,782। यहाँ पर आगे और अगर हम देखेंगे तो गिरिडीह में 42,754, गोड्डा में 19,415, गुमला में 10,886, हजारीबाग में 38,474, जामताड़ा में 7,165, खूंटी में 4,883, कोडरमा में 15,920, लातेहार में 9,515, लोअरदगा में 6,139, पाकुड़ में 6,863, रामगढ़ में 14,966, रांची में 88,054, साहिबगंज में 10,207, सरायकेला में 8,218, सिमडेगा में 4,010, चयबासा में 6,996, और इस तरीके से कुल केसेस पेंडिंग है 5,18,182। मुकदमों के मामले में रांची जिला अव्वल, सिमडेगा सबसे नीचे। मुकदमों के मामले में रांची जो है वो सबसे अव्वल नजर आ रहा है। यहाँ सर्वाधिक 68,054 केसेस लंबित हैं। और वहीं पर दूसरे स्थान पर है धनबाद, जहां पर 61,841 केसों की सुनवाई चल रही है और कब खत्म होगा पता नहीं। इसके अलावा 47,416 मुकदमों के साथ जमशेदपुर तीसरे नंबर पर है। यदि चौथे नंबर की बात करें तो गिरिडीह 42,754 का नंबर आता है, जबकि सबसे कम 4,010 मुकदमा सिमडेगा में लंबित है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिटेल निकल कर आ रही है। तो आप इसको लेकर क्या सोचते हो, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और कब तक इन सभी केसेस को सॉल्व किया जाएगा या कब तक इनका सॉल्यूशन निकलेगा, वो तो वक्त ही बताएगा। जोहार।